हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफ़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फ़ोनपे ऐप से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करना। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ, जिसमें क्या था कि फ़ोनपे ऐप से ओनली वीज़ा कार्ड की आप पेमेंट कर सकते थे, बट क्या है कि अब सभी कार्डों के लिए पेमेंट ऑप्शन ओपन हो गया, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, अब सभी कार्डों के आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में सीखते हैं कि किस तरह से आपको करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फ़ोनपे ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं ऐप को ओपन कर लेता हूं, जीरा फ़ोनपे ऐप। फ्रेंड्स, अगर आपने फ़ोनपे ऐप में अब तक लॉगिन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम कैसे लॉगिन रजिस्टर करना है आपको फ़ोनपे ऐप में। तो पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है फ़ोनपे ऐप से, जिससे भी आपको पेमेंट करना है। तो नीचे आपको दिख रहा होगा माई मनी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ से हम अपना बैंक अकाउंट लिंक करेंगे जिससे भी हमें पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड को। तो यहाँ पे आपको दिखेगा टॉप पे बैंक अकाउंट UPI के नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैंने ऑलरेडी लिंक किया हुआ, तो आपको नीचे शो होगा ऐड बैंक अकाउंट यहाँ पे, जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ से आपको बैंक अकाउंट लिंक करना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ से आप सर्च करके अकाउंट लिंक कर सकते हो, आप चाहे तो यहाँ से सर्च कर सकते हो अगर यहाँ पे है, नहीं तो जैसे एग्जांपल मैं आपको ICICI करके दिखा देता हूँ, ये मेरा ICICI अकाउंट है। डिटेल आपकी ऑटोमेटिक फाइंड आउट होगी, और जो भी आपका डिटेल होगा आपका यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। सिम आपको ध्यान रखना है, SIM 1 में आपका होना चाहिए अगर आपका ड्यूअल फ़ोन है बैंक वाला। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी लिंक है UPI से। जब आप करेंगे तो आपको एक OTP आएगा, OTP के बाद आपको डेबिट कार्ड की लास्ट 6 डिजिट आपको एंटर करना है, देन उसके बाद एक्सपायरी एंटर करनी है, उसके बाद आपको एक OTP जाएगा, OTP के बाद आपको UPI पिन क्रिएट करना है जो कि 4 डिजिट का होता है, उसके बाद आप UPI पिन से लिंक कर सकते हो। लिंक करने के बाद चलिए मैं आपको उसके बाद का प्रोसेस बताता हूँ। जैसे आप अपना अकाउंट लिंक कर लोगे UPI के थ्रू, मैं होम पेज बताता हूँ, तो चलिए क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो इसको थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं यहाँ से, तो आपको टॉप पे कॉर्नर में दिखेगा, राइट कॉर्नर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे ऑलरेडी देखिए मेरे काफ़ी सारे कार्ड सेव हैं। तो हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको शो होगा अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर, रुपे, वीज़ा कार्ड। तो चलिए मैं मास्टर कार्ड की पेमेंट आपको करके दिखा देता हूँ। तो मास्टर कार्ड पर क्लिक करेंगे, और मैं अपनी कार्ड की डिटेल जल्दी से डाल लेता हूँ। कार्ड डिटेल डालने के बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको अमाउंट एंटर करना है जो भी आप पेमेंट करना चाहते हो। जैसे मैं 100 रुपीज़ डाल देता हूँ, और नीचे आपको मल्टीपल अकाउंट आ रहे हैं क्योंकि मेरे 2-3 अकाउंट लिंक है, तो जिस भी अकाउंट से आप करना चाहते हो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका ही करेगा तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपको नीचे पे बिल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको UPI पिन डालना है 4 डिजिट का जो भी आपने बनाया होगा। डालने के बाद आपको कर देना है सबमिट यहाँ से, और कुछ ही सेकेंड में आपका पेमेंट कम्प्लीट हो जाएगा। ये हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो ये देखिए पेमेंट सक्सेसफुल। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे कि दिख रहा है कि 3-5 वर्किंग डेज में पेमेंट कंप्लीट होगा, बट होता क्या है 1-2 दिन में हो जाता है, ये आप देख सकते हैं डेबिट का कंफर्मेशन। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ये देखिए तो पेमेंट नेक्स्ट डे ही अपडेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन लगेंगे, आपका नेक्स्ट डे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। और फ्रेंड, एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको कोई बिल डिलीट करना है किसी कार्ड की, आपने पेमेंट करी किसी और की और आप चाहते हैं इस चीज़ को डिलीट करना ताकि कन्फ्यूजन रहे, तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही वीज़ा कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो इसको 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको डिलीट का या रिमूव का ऑप्शन जाएगा, ये रहा रिमूव, रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी कार्ड डिटेल बेनिफिशियरी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो फ्रेंड, इस तरह से आप अपने फ़ोनपे ऐप से क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हो, आपको कोई नेट बैंकिंग करने की जरूरत नहीं, आप अपनी फ़ोनपे ऐप से कार्ड की पेमेंट कर सकते हो। पहले ओनली वीज़ा कार्ड के लिए था, अब आप मास्टर कार्ड के लिए भी आ चुका है। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आते थे कि मास्टर कार्ड के लिए ऑप्शन नहीं, तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के थ्रू मैं आपको अपडेट कर दूं कि मास्टर कार्ड के लिए भी ऑप्शन आ गया। और फ्रेंड्स, के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट्स है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और पेमेंट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना, आपको 1-2 दिन में या हार्डली 2-3 दिन में पेमेंट क्रेडिट हो जाता है क्रेडिट कार्ड अकाउंट में। और जैसे ही पेमेंट क्रेडिट होगा क्रेडिट कार्ड अकाउंट में, आपको कन्फर्मेशन का मैसेज भी आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया।